कितने बजे ये एनकाउंटर शुरू हुआ जब आप यहाँ पर हैं? जी ये सुबह 5 बजे पहला ब्लास्ट हुआ था, एक बहुत बड़ा, तो हमने इतना इग्नोर कर दिया। लेकिन जैसे ही दूसरा ब्लास्ट शुरू हुआ तो उसके बाद फिर आसपास के लोगों को भी मैंने कईयों को फ़ोन किया, तो उन्होंने भी ऊपर छत के ऊपर चढ़ गए। उसके बाद जो नदी के किनारे लोग रहते थे वो भी घरों से बाहर निकले और हमारे घरों के ऊपर सेफ जगह पे आने लगे, तो छतों के ऊपर चढ़कर हमने देखने लगे। उसके बाद छोटी छोटी फायरिंग भी होती रही, छुटपुट चलती रही। करीब 6:30 बजे के करीब एक एम्बुलेंस आई, उसके बाद फोर्स भी बहुत सारी निकली, QRT की गाड़ियाँ निकली, इन्फेंट्री की आर्मी भी बहुत सारी चली गई। उसके बाद हमको ऐसा लगा कि बिल्कुल ये आर्मी अटैक हो गया कोई बहुत बड़ा। लेकिन तब तक सिविलियन के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, लेकिन हम अपने घरों में सेफ ही थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही फोर्स बढ़ना शुरू हुई उन्होंने भी हमारे आगे पीछे घेराबंदी कर दी, हमको भी अपने आप सेफ करने रहने के लिए कहा। तो काफ़ी दहशत में थे तब से हम, लेकिन अभी अभी भी फायरिंग चल रही है रुक रुक के। तब सुबह 5 बजे आवाज़, पहली आवाज़ ग्रेनेड की, तो हमने सोचा कि कैसी आवाज़ आई है, कहाँ से आई है। तो उसके 10 मिनट बाद एक और आवाज़ आई, फिर गोली चलने की आवाज़ आई, फिर हम छत पर चढ़ गए देखते रहे कि कहाँ हो रहा है। तो हमारे साथ ही मिलिट्री है वहाँ, जजमेंट हुआ कि वहाँ जाके गोली है। फिर हम अब इधर खड़े रहे, फिर लाइट हुई छोटी, 6:30 बजे रोशनी आई, तो फिर देखा हमने कि गाड़ियाँ आ रही हैं, आर्मी भाग रही है इधर उधर। तो हमने यही सोचा कि आर्मी पे अटैक हो गया है। तो पहले तो शक था कि ऐसे कोई आवाज़ आ रही है किसी, अटैक नहीं है, मगर फिर जब देखा आर्मी भाग रही है आगे पीछे, तो फिर हमने सोचा कि अटैक हो गया है। फिर हम भी दहशत में हो गए, बच्चों को बिठाया, ऊपर ले आया, छत पर ले आया सबको, और छत वाले पैर उठ के देखते रहे परली साइड पर कोई इधर ना आए भागता हुआ, तभी नाले से देखे हम उसको। फिर काफ़ी देर ऊपर रहे हम, कुछ 7-8 बजे ऊपर रहे, फिर आ गए थे। लीबिया से ही सारा हाल जाना है। सुबह से हम चैनल, डिफरेंट चैनल्स को देख रहे हैं, और पाकिस्तान द्वारा एक द्वारा ये जो घुसपैठ की गई है ये बड़ी चिंताजनक है। मुझे लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को कहीं ना कहीं अलर्ट रहना होगा। पाकिस्तान में नए जो अपने सेना के प्रमुख हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान से हमेशा पाकिस्तान स्टाक में रहता है कि भारत में घुसपैठ कराई जाए, ये उसी का एक अंग है। और आज सबसे पहले मैं जो जवान शहीद हुए हैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, और मुझे लगता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो यहाँ पर काम कर रही हैं वो सक्षम है कि मिलिटेंट्स को मार गिराने में पूरी तरह से वो अपना जो कर्तव्य है वो निभाएंगे, और ऐसा हो भी रहा है। और इस तरह से 3 मिलिटेंट्स को सांबा में मारा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो घुसपैठ की गई उनको भी मार गया। सर कितने